तो भी वजाद फिर हम आ गए हैं कौन सा शफी सेंटर आ गए। सब लोगों को दिखाते हैं हम क्या लेते हैं। वो बहुत गला गले से बोला जा नहीं रहा, गले से नहीं बोला जा, कफिंग कर कर के वो ज्यादा ही हुआ पड़ा है। कोई भी अभी देसी टोटका भी काम नहीं कर रहा, मेडिसिन भी असर नहीं कर रही है। अभी आपको दिखाएंगे जो लेते हैं, कुछ लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। बहुत मेरे प्यारे की मेरे दिल के टुकड़े की बर्थडे है, उसके लिए कुछ लेना तो ये आपको बाद में दिखाएंगे भी बाद में। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी ठीक हो तो हम करेंगे शॉपिंग। हम आप लोग हमारे साथ रहना और देखते रहना हम क्या मार्केट में न्यू चीज़ आई हम लेते हैं। ये बदप्रेजिया शुरू कर दो। सही बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरा गला खराब होता है ना तो मैं ये ऑरेंजेस खाती हूँ तो सही हो जाते हैं। अभी तो कोयल की वजह से जो है ना वो खराब हो रहा है। चलें जी, ये ज्यादा मसाला है, चल आ जाओ। हाँ जी, तो हम लोग आ गए जी मुदस्सर भाई के पास। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं मोबाइल और मुदस्सर भाई ने हमें बताया कि यहाँ पर आए हुए थे इब्रार उलग, तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई से उनका नंबर ले लें, नेक्स्ट टाइम मम्मा ने फोन सेलेक्ट करवाना होगा तो उनसे करवा लेंगे। हैं इकरा तो बड़ी एक्साइटेड हो रही है कॉन्सर्ट के लिए। और यहाँ से फ़ोन ले चुके हैं, ये फ़ोन किस किस के लिए लिए ये आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। हाँ, और हनी भाई आप क्यों ऐसे सैड हो रहे हो? जो अपनी ये जी हमें भाई दिखाते हैं जरा तस्वीरें इब्रार की, ये देखिए ये हमारा पंजाबी मुंडा। हाँ वो यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ये गुड हो गया भाई। वो मैकबुक वाला पता करवाओ ना अपने को, उसके पास भेज देता हूँ जमशेद है। अच्छा उसके लिए चले क्या करना? हाँ जी, तो मोबाइल से लेके हो गए हैं जी, ओके। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब वो जरा मैकबुक वाले की तरफ मुदस्सर भाई। हाँ हाँ जी, तो व्यूअर्स अभी हम लोग आ गए हैं जी मैकबुक खरीदने के लिए लैपटॉप की शॉप पे, और यहाँ से रात को भाई ने जो है इब्रार को भी दिलवाए हैं, तो हमने कहा कि हम लोग भी यहीं से खरीदेंगे। तो ये देखिए, हाँ जी ये वाला जो है एयर 2019 है एयर का, और ये वाला भी 2019 है, ये वाला है 16 GB और ये 8 GB। और जो मुझे पसंद आया वो ये है जी रोज़ गोल्ड उसका कलर, और ये है भी लेटेस्ट 2020 जनरेशन का एयर का। तो होगी आपकी भाई से बात? हाँ प्राइस को कम करेंगे अम्मा जो उनके साथ रेट का कर रही है, तो अब देखते हैं कि कौन सा फाइनल रहा। और भी किचन में तो आप लोगों को दिखाने लगे हैं कि घर में बना रहे हैं साग, ये आप लोग देखें ये ऊपर रखा हुआ है जैसे कट किया, ये बन रहा है साग। क्योंकि हमारे घर में हम बना के रख लेते हैं फिर ज़्यादा मशाला खाया जाता है, घर में गेस्ट भी आते रहते हैं, ऐसे गला तो अभी तक ठीक नहीं हो रहा, गले की प्रॉब्लम वही चल रही है। तो आप आज लोगों को दिखाएँगे मकई का आटा और साग साथ, वो दिखाएँगे अभी आटा गूंध रही वो दिखाते हैं। ये मकई का आटा गूंद रही है, इसके अंदर बाजरे का भी है ना, वो देख के कहेंगे कि हाँ जी ये पीला पीला सा मकई का आटा तो ये मिक्स आटा है बाजरे का
और जौ का, चने का, तो साथ मक्की का। ये चार आटे मिसकी हैं, आज देखेंगे। पहले तो नहीं ऐसे रोटी खाई, आज देखेंगे कैसे इसकी रोटी पकती है। तो फिर साग के साथ खाते हैं, नाले आप लोगों को दिखाते हैं। ये बस ऐसे ही गूंथा गया, इसमें इतनी वो जैसे लेस दूसरे आटे में होती है वो नहीं होती है, वो नहीं है। तो इसको कैसे बनाते हैं ये, वो मैं भी पहली दफ़ा ही गूंध रही हूँ ये आटा। लास्ट टाइम तो नानी के हाथ की गई है कि भाभी ये गूंधती है। आज अम्मा ने बोला है कि इसको इस तरीके से गूंधो, अम्मा के बताए हुए तरीके पे मैंने उसको ऐसे मल मल के जो है गूंधा। अभी ये पेड़े बन गए तो रोटी बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो बेलने के साथ कर लेना ना, ऐसे नहीं आएगी ना। हाँ, से अम्मा करती थी, मैंने अम्मा को देखा था नीचे करके ना। हाँ जी, करके उसके ऊपर रख के जो है ना वो ऐसे हाथ के साथ। अभी जब बनाते हैं दिखाते हैं, ये थोड़ी देर इसको रख देते हैं ना। ऐसे ही हमारे घर में हर टाइम जो है ना, जब मौसम आता है साग, इतना बहुत है सिमरी। हाँ जी, जब साग का मौसम आता है हमारे घर में ऐसे ही साग जो है ना वो पका रहता है ज्यादा ही माशाल्लाह। तो इसमें डाल देते हैं देसी घी, अब डाल देते हैं। पहले मक्खन डाला हुआ है, पहले मक्खन डाला हुआ, अभी डाल दे देसी घी, थोड़ा सा और डालो। अभी इसको करेंगे गर्म, अभी इधर बनाती हूं। इधर भी आपने जो है ना वो पतीला रखवाया हुआ है इतना बड़ा, उतार दो एक दफा उसको। हां उतार दो। ऐसे जो है ना इसको रुमाल के ऊपर या बेलने के साथ मैं तो ऐसे बना रही हूँ। वो अम्मा बशीरा थी ना, वो ऐसे बनाती थी, इसलिए फिर मैं भी रुमाल के ऊपर रख के जो है बना रही हूँ। हाँ जी, ये जी मकई की रोटी, तो साथ साग डाला है। ओए अजवा, अजवा अजवा देखो अपनी हरकतें कर रही है। अजवा बहुत माशाल्लाह मजे की बनी है, साग भी मजे का और रोटी भी। ये देखो कैसे आप लोगों को बताया ना, वो आटा डाल के उधर पकते हुए बनाई ये आटे। अब लोगों को बताया कि चार आटे, चार किस्म का आटा डाला हुआ है, मिक्स करके बनाई है और बहुत मज़े की बनी है। डाइट के लिए भी अच्छी है, तो ऐसे भी। अजवा को देखो, अजवा क्या खा रही है, इसे सारे टिश्यू खराब करते हैं। अजवा भी ये सारे निकालेंगे। ये देखो आप ही को दिखाओ, आप ही को दिखाओ कैसे रोटी खा रहा है। अच्छा मेरा बेटा खाना खा रहा है, आ दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर। ओ ये जी अजवा है, ये मेरी अजवा है, मेरी अजवा भी साफ खा रही है। अजवा ने चूड़ियाँ पहनी हुई है, ये इसको मैंने जब छोटी थी डाली थी, अभी मैंने कहा घर में है तो ये अजवा चूड़ियाँ डाल के रखे, ये गोल्ड की डाली हुई मेरी अजवा को। अजवा ये मेरी अजवा अभी बना रही थी, ले अजवा किधर गई, अजवा मेरे ख्याल ऊपर ले गई। ओए ओए क्यों पालाशा रो रहा था, पालाशा क्यों रो रहा था, क्या बात थी पाले को, क्या बात थी पाले से बेबी को, क्या बात थी। हाँ जी, तो भी बस खाना तो हमने खा लिया है और चाय भी पी ली है, तो इस सब लोग के साथ हम एंड करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे घर में कोई छोटी सी पार्टी होने वाली है, वो आप लोगों को दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। वो छोटा सा बेबी का फंक्शन है, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। इसके साथ हम ये व्लॉग का एंड करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं।
आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर शेयर लाइक करना सब्सक्राइब करना। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।